नमस्कार दोस्तों, मेरे दोस्तों, आइए इस वीडियो में आज हम लोग जीएस के जो सीरीज हम लोग चला रहे थे उसी के आगे की कड़ी में हम लोग बात करते हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये प्रश्न जो हैं परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आज आप देखेंगे। तो आइए वीडियो की देर न करते हुए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग यूएनए सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनए का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनए की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनए की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। दोस्तों, इसके सदस्यों की जो अस्थायी सदस्य हैं इन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे। तो हमारा ट्रिक है रूस का फेस। क्या है? रूस का फेस। रूस से हमें याद आएगा रूस है, रूस से हमें याद आएगा कि रूस है, यप से आएगा फ्रांस है, यप से क्या आएगा तो फ्रांस है, ए से आएगा अमेरिका, और सी से आएगा चीन, चाइना, और ई से आएगा इंग्लैंड। कौन? इंग्लैंड। तो ये है दोस्तों रूस का फेस। रूस से हो गया रूस, ये नहीं शब्द है, यप से हो जाएगा आपका फ्रांस, ए से हो जाएगा अमेरिका, सी से चाइना, और ई से क्या हो जाएगा इंग्लैंड। तो ये यूएनओ के क्या अस्थाई सदस्य हैं। कब स्थापना हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। आइए दोस्तों इधर देखते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दूसरा सवाल है WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? पहले तो हम जानेंगे WTO का पूरा नाम क्या है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 24 अक्टूबर 1945, 1 जनवरी 1995, 24 अक्टूबर 1945, 1 जनवरी 1995। कब? 1 जनवरी 1995। ये कब? 24 अक्टूबर 1945। दोस्तों, ये यूएनए के 5 सदस्य हैं, इसमें कुल कितने देश थे अभी तक? तो 193 देश हैं। एकदम न्यूनतम देश 11 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान जोड़ा था। सबसे नया जो देश है इसका दक्षिणी सूडान है। कब जुड़ा था दोस्तों? तो 11 जुलाई 2011 को जुड़ा था। यह नवीनतम देश है किसका? यूएनए का। कुल कितने देश हैं? 193। राष्ट्रीय आय के आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। WTO की जो WTO है इसका जो गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 को हुआ था, 1 जनवरी 1995 का। इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं तो जिनेवा में पड़ता है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? जिनेवा में। इसके जो प्रेसिडेंट हैं फिलहाल में वह है नागोजी ओंकाजी इवेला। ये हैं WTO के अध्यक्ष महानिदेशक। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है दोस्तों। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल, कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। कुंचिकल जलप्रपात कौन सा? तो कुंचिकल जलप्रपात पड़ता कहाँ है? तो ये कर्नाटक को पड़ता है। कर्नाटक कहाँ? तो कर्नाटक पड़ता है। अब देख लीजिए राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। WTO की स्थापना कोई थी 1 जनवरी 1995 को। यूएनओ की 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। प्रेसिडेंट कौन है? नागोजी ओंकाजी इवेला।
सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है कर्नाटक में, 455 मीटर। कितना? 455 मीटर, 455 मीटर। दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है एंजल जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात 800 मीटर ऊंचाई कितनी है? 800 मीटर। इसकी कितनी है? 455। तो ये 28 प्रश्न हो गए दोस्तों, ये अपना 3 प्रश्न हो गया। इधर आते हैं हम लोग युद्ध की सीरीज में, देखते हैं हमने पिछले वीडियो में दोस्तों कल्चर संबंधी बात किया था, जैसे सेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, पोमो कल्चर, इसके बाद आपको फ्लोरी कल्चर, ब्यूटी कल्चर, एरोपोटिक, ये सारी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था। अब हम लोग युद्ध की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, और जितने युद्ध महत्वपूर्ण हैं सभी युद्धों की हम बात करेंगे यहाँ पर। पहला युद्ध आता है अपना हाइडे स्पीसीज का युद्ध, इसे झेलम विस्ताता का युद्ध भी कहते हैं। हाइडे स्पीसीज के युद्ध को झेलम विस्ताता का युद्ध कहते हैं, हाइडे स्पीसीज के युद्ध को झेलम विस्ताता का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध दोस्तों 326, कितना? 326 बीसी में लड़ा गया था, 326 बीसी में यह लड़ा गया था। और सिकंदर ने, किसने? तो सिकंदर ने, सिकंदर, सिकंदर ने राजा पोरस को हराया था, पोरस को हराया था। ये पोरस क्या कर गए थे? तो हार गए थे। हाइडे स्पीसीज के युद्ध को झेलम विस्ताता का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया था, जिसमें पोरस की क्या हुई थी? हार हुई थी। और यह कब हुआ था? 326 बीसी में। दूसरा आते हैं दोस्तों कलिंग का युद्ध। कलिंग का जो युद्ध था यह 261 बीसी में लड़ा गया था, 261 बीसी में लड़ा गया था। इसमें युद्ध में जो अशोक थे, अशोक द ग्रेट, अशोक, ये जो अशोक थे कलिंग के जो शासक थे उनको हराया था, रूलर ऑफ कलिंग, जो कलिंग के शासक थे, रूलर ऑफ कलिंग या कलिंगा, रूलर ऑफ जो कलिंगा थे उसको हराया था। किसने? अशोक ने। अशोक ने और कलिंग के शासक को हराया था दोस्तों, और 261 में। इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसी युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था दोस्तों। रावण का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, रावण का युद्ध। ये जो रावण का युद्ध है दोस्तों, ये से तो ये 712 एडी में हुआ था, एडी में 712 ईस्वी में। यह सब बीसी में हुए हैं, एडी में हुआ है, 712 एडी में। किसके? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मैं लिख रहा हूँ मोहम्मद बिन कासिम, मैं लिख रहा हूँ मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था सिंध के शासक दाहिर को। किसको? दाहिर को, दाहिर को हराया था। सिंध के शासक थे जिनको हराया था दाहिर को, सिंध के शासक दाहिर को हराया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को हराया था 712 एडी में। इसे रावण का युद्ध कहते हैं दोस्तों। तो ये 3 युद्ध हो गए, और जितने भी युद्ध होंगे सभी युद्धों की हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ये आपका जीएस का पॉइंट हो गया, ये आपके प्रमुख पॉइंट हो गए दोस्तों। तो इन्हें आप क्या कर लें? अच्छे से नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।